हो गया पैकअप। किसका? अरे किसी का पैकअप नहीं हुआ है, लेकिन पैकअप स्टोरी जरूर आ गई है आपके लिए। आज हम आपको दिखा रहे हैं पैकअप स्टोरी कृष्णा कॉल की। हाय गाइस, सो जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरा पैकअप हो गया है। मैं पैकअप के बाद अब सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। तो बेसिकली हम पैकअप के बाद क्या करते हैं, आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने वाले हैं जो आपने कभी देखी नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने टीवी पे देखा है कि हम एक्शन के बीच में क्या करते हैं, हमने टीवी पे देखा है कि हम घर पे क्या करते हैं, कभी भी टीवी पे ये नहीं देखा कि हम एक्चुअली पैकअप के बाद क्या करते हैं। अक्सर सब आर्टिस्ट जितने भी होते हैं सबके पैकअप के बाद कुछ अलग अलग सीन्स होते हैं। कुछ लोग पैकअप के बाद रुकते नहीं, बिल्कुल भाग जाते हैं घर। कुछ लोग पैकअप के बाद रुकते हैं मेरे जैसे, कुछ लोग पैकअप के बाद बहुत ज़्यादा रुकते हैं शाहना जैसे। अभी फ़िलहाल मुझे चेंज करना है, मैं अपने नॉर्मल घर के कपड़ों में आने वाला हूँ, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो उसको देखने के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। रणबीर कोहली से कृष्णा कॉल तैयार हो चुका है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। एंड लेट्स गो ऑन द जर्नी विद मी, कम आई टेक यू। Surprisingly, I really don't like the word backup. मैं सच बता रहा हूँ, it sounds very alien. मैं यहाँ पे जब भी किसी को बोलता हूँ कि मुझे backup इतना कुछ खास नहीं लगता, सब मुझे ऐसे देखते हैं कहाँ से है। क्योंकि जैसे आज हमारी सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी, तो 7 से हमारा थोड़ा एक्सटेंड हो गया, 1 घंटा 8 बजे तक हम लोग शूट कर रहे थे। एंड प्लस इट वॉज अ वेरी नाइस फाइटिंग सीक्वेंस। आप देख रहे हैं तो आपको आगे पता चलेगा कि क्यों लड़ाई कर रहा हूँ। And while fighting, I was realizing कि यार कितना मजा आ रहा है। मतलब why do you even have to pack up? Like why do I have to go home? हाँ, of course I have days जहाँ पे मैं बहुत थक जाता हूँ, जहाँ पे पूरा दिन exhausted हो जाता हूँ, और फिर last में आते आते मुझे लगता है बस मुझे बिस्तर चाहिए। But हफ्ते में जैसे 2-3 दिन होते हैं ऐसे, बाकी सारे दिन जो है मुझे set पे रहना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट सबसे अच्छी चीज़ मुझे सेट पे रहना ही लगती है। अक्सर मैं ये करता हूँ कि मेरा ऐसे पैकअप होता है ना, मुझे भूख बहुत लग रही होती है, तो उस भूख को मिटाने के लिए यहाँ पे हमारे साकीनागा से आप निकलेंगे तो सीधा जाके ड्राइव थ्रू आता है लेफ्ट साइड में, तो मैं अक्सर वहाँ से कुछ खरीद लेता हूँ और फिर खाता आराम से गाड़ी चलाता हूँ, खाता हो जाता हूँ। Guys, yes, we are back in my car and McDonald's में बहुत वक्त लग गया क्योंकि आज संडे है, पूरी फैमिलीज आई हुई थी वहाँ पे, हम 15-20 मिनट वहाँ पे खड़े रहे एंड वेट करते रहे अपने ऑर्डर का, बट ऑर्डर आ गया बहुत ही कन्वीनियंटली। एंड नाउ वी आर हेडिंग होम, हम लोग घर जा रहे हैं। कभी घर वालों से कभी किसी मिस कॉल आई हुई है तो उसको कॉल बैक कर लेता हूँ। जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड की मिस कॉल आई हुई थी तो मैं उसको कॉल बैक करने वाला था, लेकिन एक बार मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी को कॉल कर लूँ, पूछ लूँ उनसे क्या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। हाय मम्मी। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? क्या हो रहा है? लिसन, देयर इज अ सरप्राइज फॉर वीडियो कॉल कर। देयर इज अ सरप्राइज? मेरा चिन्नी, मेरा मिन्नी। ओहो, बड़ा प्यार आ रहा है, क्या बात है, कौन है सामने? बहुत प्यार। चलो ठीक है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ। अपेरेंटली मेरे घर पे कोई सरप्राइज है, मतलब कोई गेस्ट आए होंगे आई एम श्योर, तो मेरी मम्मी चाहती है कि मैं को वीडियो कॉल करूँ। गाइज, अगर ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा तो बंद कर देना, क्योंकि उनको पता नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है। हाय, गाड़ी में हो, घर जा रहा हूँ, क्या हो रहा है बताओ, कौन है यार? नहीं, बाल नहीं कटा है, वो सेट हो गए थोड़े से। देख, हमारे घर में क्या सरप्राइज?
धनंकार अंकल, धनंकार कैसे हैं आप? हेलो यू, हाउ आर यू? धनंकार, धनंकार हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम भी इस प्रोग्राम के पार्ट बन रहे हैं. सो नाइस, इट्स बिकॉज ऑफ कृष्णा ओनली दैट वी आर इन फेम. थैंक यू एंड प्राउड ऑफ यू. से हाय. ओहो गाइज, आई लव पेरी पेरी फ्राइज. मुझे लगता है बहुत ही समझदार और उम्दा इंसान था जिसने पेरी पेरी फ्राइज की इन्वेंशन करी. थैंक यू गाइज, आप मेरे साथ सेट से घर तक आए, मुझे बहुत मजा आया. आई होप आपको भी अच्छा लगा. फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं और आई थिंक इट्स टाइम टू से बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद मी एंड आई होप यू गाइज हैव एन ऑसम टाइम. कीप वॉचिंग कुमकुम भाग्य, कीप लविंग अस द वे यू डू. पेरी पेरी फ्राइज खा के मेरे मुंह में बहुत जलन भी हो रही है, पर थैंक यू सो मच. टेक केयर, लव यू. ABP News, आपको रखे आगे.